नमस्कार साथियों, एक बार फिर आए हम आपके अपने ट्विटर पर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के मध्य कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां साथियों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 अक्टूबर को अपनी पहली सूची जारी कर दी, जिसमें से 223 विधानसभा सीटों में से 144 मतों की पहली सूची जारी कर दी गई। इससे बीजेपी को एक और लगता हुआ बड़ा झटका। जी हां साथियों, हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने का मुद्दा उठाया है। जिसमें हम आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने रविवार को सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधते हुए एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया। इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हम आपको बता दें कि उन्हें प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कमलनाथ के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए कहा कि इस बार फिर से एक बार कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और 17 नवंबर को होने वाले 230 विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपने 144 उम्मीदवार की सूची भी कांग्रेस ने जारी कर दी है। यहाँ आपको बता दें मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित 79 मौजूदा विधायकों को भी टिकट दिया गया है। जैन साथियों, क्या इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपने फिर से सत्ता जमा पाए? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जैन साथियों, चलिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैन जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।